हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे फ्यूजी फिल्म XT3, जो कि मेरा कैमरा है। लेकिन मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ट्राई करते हैं, तो मैंने इसीलिए जो है आज एक बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर को अपने चैनल पर आते गेस्ट बुलाया। उनका नाम है अभिनव, को तिग्मा की तरफ से फीचर किया गया है, कई सारे उनको अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। इसमें एक सबसे बढ़िया बात यह है कि जो अभिनव है वो एक्चुअली एक सोनी यूज़र हैं, लेकिन हमने उनको फ्यूजी कैमरा दिया सो दैट उनको एक्सपीरियंस पता चले कि फ्यूजी और सोनी का क्या डिफरेंस। तो लेट्स वेलकम अभिनव टू द वीडियो। हाय, वेलकम अभिनव टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत मुझे यू नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू गिव अ फ्यूजी कैमरा टू अ सोनी यूज़र एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ सोनी यूज़र। अभी भाई ने जब कॉन्टैक्ट किया था तो ये हुआ था कि एक बार फ्यूजी ट्राई करके देखते हैं, तो मैंने सोनी के अलावा आज तक दूसरा कोई कैमरा कभी ट्राई नहीं किया था। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ वाइल एंड मुझे लग रहा है कि एक बिगिनर के हाथ में अगर फूजी कैमरा जाता है तो कैसा एक्सपीरियंस होता है, आई कैन टेल दैट नाउ। हम लोग दो आर थे, फोटो शूट कर रहे थे और अभिनव को मैंने अपना कैमरा दिया था, तो उन्होंने बहुत सारी फोटोज निकाली है, तो हम लोग वो भी देखेंगे। सो जैसा कि अभिनव ने काफ़ी सारे फोटोज़ जो है फ्यूजी से ऑलरेडी निकाल ली हैं, सो अब हम लोग जो है अभिनव का रिव्यू लेंगे कि कैसा लगा उनको ये फ्यूजी कैमरा, जो अभी उनके पर्टिकुलरली हाथ में भी है तो आप देख सकते हो। सो कैसा लगा, तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे पहले तो अभिनव ये बताओ कि लाइक सोनी यूज़ करने के बाद एकदम से जब फ्यूजी हाथ में आता है तो कैसा फील होता है, मतलब हाउ डू यू लाइक दिस? पहले तो अगर फॉर्म फैक्टर की बात करूँ तो कैमरा सोनी से थोड़ा ज़्यादा वाइड है, तो एक चीज़ जो मुझे फ्यूजी के यू नो हैंडलिंग में अच्छी लगी कि बिकॉज इट्स वाइडर तो आपका हाथ जो है इवन द यू नो इवन द टाइनी फिंगर इवन द पिंकी इट कैन यू नो रेस्ट ऑन द बेसिकली ऑन द कैमरा। सोनी में क्या है कि ये मेरी पिंकी जो है ये बेसिकली बाहर रहती है, तो एक वो थोड़ा हैंडलिंग में एक इशू रहता है। बाकी कैमरा थोड़ा ऑन वाइडर साइड पर है, लेकिन एक चीज़ अच्छी कि इसका लेंस बहुत छोटा है, मतलब रेडिकुलसली छोटा है, मतलब ये 35mm है एंड आई कुडंट बिलीव जब मैंने पहली बार इसको देखा था कि ये 35mm है, क्योंकि इधर 35mm दैट आई यूज़ ऑन माई सोनी इज़ लाइक इट्स वाइडर देन दिस एंड हैवियर देन दिस। तो एक चीज़ वो है, और बटन्स तो इतने सारे हैं कि इट टेक्स अ वाइल टू यू नो गेट अ ग्रिप ऑन इट। तो बटन्स वैसे कस्टमाइजेबल हैं सारे के सारे, तो आप जो भी मोड्स यूज़ करते हो वो आप बेसिकली कस्टमाइज कर सकते हो अपने बटन पे, जो भी आपको जल्दी एक्सेस करने के लिए मोड्स चाहिए वो सब कुछ मैप किए जा सकते हैं, सारे लगभग सारे ही कीज़ रीमैपेबल हैं। तो ये एक चीज़ मुझे सोनी से अच्छी लगी। और कलर साइंस की अगर बात करूँ तो इसके जो फ़ोटोज़ हैं जो मैंने राइट ऑफ आउट ऑफ द व्यू फाइंडर देखे तो वो थोड़े से न्यूट्रल हैं कलर्स इसके, सोनी के थोड़े से मेरे A6400 में वो थोड़े से ब्लूइश साइड में जो है वो फ़ोटोज़ थोड़ी ब्लूइश होती हैं, तो मुझे लगता है जैसे मेरी आंखें ज़्यादा हैबिचुएटेड उस टाइप की फ़ोटोज़ देखने में, तो मुझे एक बार को लगा कि इसकी फ़ोटोज़ हल्की सी वॉश्ड आउट हैं, बट क्योंकि हम रॉ में शूट करते हैं तो कलर प्रोफाइल का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग में वो सब हम अपने हिसाब से ठीक कर ही लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो मतलब अभिनव को सबसे ज़्यादा एकदम तुरंत एक्सपीरियंस लेने में लगा वो तो ये है कि ग्रिप इसकी बेटर है,
इसका जो हैंडलिंग है और जो ग्रिप है फ्यूजी का, बिकॉज इट्स अ लिटिल वाइडर देन नॉर्मल, तो ग्रिपिंग उनको बहुत पसंद आया। और दूसरी चीज़ एक अच्छी लगी कि जो इसके डायल्स हैं, जैसा आप देख सकते हो फ्यूजी में देयर इज अ डायल फॉर एवरी सिंगल थिंग, आपको शटर स्पीड चेंज करना हो, ISO चेंज करना हो और कुछ भी यू वॉन्ट टू चेंज, देयर इज अ स्पेसिफिक डायल फॉर दैट। सो उसके लिए उनको फ़ायदा ये हुआ कि यू डो नॉट हैव टू गो इनटू द मेन्यू सिस्टम कोई भी चीज़ चेंज करने के लिए, अगर शटर चेंज करनी है तो उसका डायल आप यूज़ कर लो, ISO चेंज करना है तो उसका डायल यूज़ कर लो। तो ये दो चीज़ें अपनों के हिसाब से ही फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे आई लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, क्योंकि स्ट्रीट फोटोग्राफी मैं ज़्यादातर करता हूँ तो स्ट्रीट पे सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, तो इफ़ आई एम फिडलिंग विद द सेटिंग्स इनसाइड तो कई बार वो मोमेंट छूट जाता है। फूजी के साथ सबसे अच्छी चीज़ है कि क्योंकि सब कुछ डायल पे ही है, आपको मालूम है, आपकी मसल मेमोरी में ये चीज़ आ जाती है, आप तुरंत ही सेटिंग चेंज करते हो एंड यू कैन गेट दैट शॉट। फिल्म सिमुलेशंस तो खैर समथिंग दैट इज एक्सक्लूसिव टू फूजी, तो अच्छा लगा मुझे, इट्स अ डिफरेंट वे टू कैप्चर समथिंग। और आपका पोस्ट प्रोसेसिंग में टाइम बचाता है फिल्म सिमुलेशंस में, जो इफेक्ट्स आते हैं जैसे इट काइंड ऑफ गिव्स यू द इफेक्ट जो पुराने रोल कैमराज, नेगेटिव रोल वाले कैमराज जो फूजी के आते थे, उस टाइप के इफेक्ट्स आपको इमेज में डायरेक्टली मिल जाते हैं, डिजिटली क्रिएट कर देता है कैमरा। तो उससे क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लुक की तरफ जाना चाहते हो अपनी पिक्चर के साथ, तो वो आप डायरेक्टली कैमरा से ही सेट कर सकते हो, पोस्ट प्रोसेसिंग में आपको उतना टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा, सो यू कैन शूट इट एंड अपलोड इट डायरेक्टली विदाउट यू नो गोइंग मच इनटू द पोस्ट प्रोसेसिंग। इफ़ द बैकग्राउंड इज टू डायनामिक और सब्जेक्ट अगर उसके आगे है, उन केसेज में जो फोकस है वो लॉक नहीं हो रहा है कभी कभी, नॉट ऑल द टाइम, सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में, एंड वो भी अगर आप यू नो एक पर्टिकुलर एंगल पे या थोड़ा बहुत रीसेट करके अपना हाफ शटर पे आप लॉक करते हो फोकस, तो वो भी हो जाता है। बस ये है कि क्योंकि हम एक्चुअली बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, तो आई थॉट ऑफ एडिंग इट, तो ये है। बाकी ऑटो फोकस अगर लॉक होता है तो इंस्टेंट लॉक है, ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑटो फोकस आई थिंक इसमें है एंड विच वर्क्स फ्लॉलेसली। अगर इसने सब्जेक्ट लॉक कर लिया है तो आई ऑटो फोकस ये इमीडिएटली आई रिकॉग्नाइज कर लेता है, ऑन टॉप ऑफ दैट लेफ्ट आई राइट आई ये दोनों रिकॉग्नाइज कर लेता है, जिस भी तरफ आपका सब्जेक्ट जहाँ से भी ज़्यादा क्लोजर है लेंस के, वो आई ये तुरंत जो है लॉक कर लेता है। सो दैट इज़ वन थिंग दैट रियली इंप्रेस्ड मी, और आई थिंक द कैमरा इज वेरी गुड, I mean, it was a great experience using it. And I would like to thank Abhinav a lot that he उन्होंने अपना time निकाला और आज मेरे लिए, you know, we are at actually वाराणसी के घाट्स में हम लोग हैं और बहुत ही interesting photo walk भी हुआ था morning में and we get to meet a lot of people. बहुत ही अच्छा experience रहा and I'm very thankful to Abhinav for taking out his time. और आप उसके इनके Instagram पर जाकर के इनको follow कर लो, और Instagram link मैंने description में डाल दिया, बहुत ज़्यादा अमेजिंग फोटो है अभिनव की, मैंने जितनी फोटोज देखी है आई हैव बीन फीचर्ड विद लाइक सो मेनी पेजेस, सो मेनी अचीवमेंट्स ही हैज ऑन हिज लाइक उनके पास। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से था फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ अ फूजी कैमरा बाय अ सोनी यूज़र। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब इन्होंने कुछ बहुत अच्छी पॉइंट्स मेंशन किए हैं इस वीडियो में, और आने वाले वीडियोस में मैं और भी इन डेप्थ फूजी के कैमरा का एनालिसिस करने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ क्यों मैंने फूजी का कैमरा लिया था और किस तरीके का रहा है मेरा पूरा एक साल का एक्सपीरियंस यूजिंग अ फूजी कैमरा। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, गुड बाय।